हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, साइट पे आए हैं आज। ये यहाँ बेसमेंट में पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। ये 2.2 का है, बेसमेंट 4 है, एग्जॉस्ट फैन का है ये। अभी भाई मार्किंग दिए हैं पहले, अभी ये पैनल लगा रहे हैं लोग। ये हमारे इंजीनियर साहब बता रहे हैं कैसे लगाना है। वीडियो के एंड तक बने रहें। इसे क्या है, इसमें ओ एक काम कॉर्नर करो होता सुनो है ना, तो जो अपना मारते हैं। थोड़ा बाकी बड़ा पैनल में दो बाहर साइड साइड से अंदर होता है। मारो, ये पैनल में क्या अंदर साइड है, जो अंदर साइड ये जो वाला रहते हैं ना, फासर मारो, मार्किंग देने में अपना बहुत वाला भी तकलीफ मारो, होती है। आ जाएगा मार्किंग तो फट लग से, जाए, बैठ थोड़ा इधर जाएगा। आगे पीछे हो जाता है तो क्या वो सेंटर बैठता नहीं होल में। इसके लिए अभी ये थोड़ा आगे पीछे होगा। तो ये फास्टनर है, अमेरिकन फास्टनर है ये। मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, अमेरिकन फास्टनर बोलते हैं और एंकर फास्टनर भी बोलते हैं इसको। एक पाइप फास्टनर आता है, एक पिन फास्टनर आता है, एक बुलेट फास्टनर आता है, और कई प्रकार के फास्टनर आते हैं। वे फैन लगा रहे हैं। फैन लगाना बाकी है अभी। फैन भी लगा के दिखाता हूँ, भी कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसमेंट 4 का यहाँ पे क्या है, वो फायर के पंप लगे हुए हैं ना। पंप का जो हीट होता है ना चालू, ये फायर मोड पे ही चालू होगा। जब फायर का पंप चालू होगा तो ये अपना फायर मोड पे ही चालू होगा ये पंखा। तो जितना अंदर का हीट रहेगा ना नीचे देखो एंगल पड़ा है, उस पर सब आकर खींच ठोक के दे बाहर नीचे, फेंकेगा। गिराना मत। ये अपने ये वो मोटर है जो इधर ये साइड में रखे हैं, बूस्टर पंप है। पानी वानी पीने वाने का पानी होता है, ये तो सप्लाई करते हैं। है 8 माले का टावर है, जो बिल्डर है उसका है, 7 लोग और मतलब है दो में है ये। काफ़ी महंगा है इधर का फ्लैट, बहुत महंगा है भाई, पूछो मत। इतने में तो गांव में आदमी साला अच्छा खासा बिजनेस कर लेगा। जो अपने यहाँ के जो विधायक लोग रहते हैं उन लोग के पास भी उतना पैसा नहीं होगा जो यहाँ पे ये लोग करते हैं। ये अपना फैन है, ये फैन हैंग किया है। 12,000, हम 12,000 CFM का है फैन ये। 50 किलो का फैन है ये। 4 लोग उठा के टांग दिए इसको। मोटर है 35 या 40 किलो का, बाकी सब पूरा 50 किलो के ऊपर है। ये अपना एग्जॉस्ट पंखा है, कभी भी उसको लगाएंगे ना तो फास्टनर रहता है ना, फास्टनर को कम से कम 2 इंची अंदर मारो छत के। ये अपने पंप हैं, फायर पंप। आग वग लगेगी तो ये चालू होंगे पूरे बिल्डिंग में पानी बुझाने के लिए। फायर पंप हर बिल्डिंग में रहता है। यहाँ पे जब बिल्डिंग बन के रेडी होता है तो फायर वाले मतलब आते हैं, जैसे अपने यहाँ पे फायर वाले बोलते हैं, अपने यहाँ पे हर जगह अलग अलग बोलते हैं, चेक करने आते हैं यहाँ पे। ये अपना बूस्टर पंप है, ये बूस्टर पंप है जो पानी का सप्लाई होता है ना, वो प्रेशर से ऊपर भेजता है नीचे से, पीने वाला पानी, पीने का पानी ये ऊपर भेजता है। अपना फैन ये फूक दिए, नीचे का मार रहे हैं अभी। ऊपर फंसाने वाला रहता है कॉर्नर टाइम में, इसी टाइम में तो ऊपर फंसा देते हैं नीचे के। अराउंड टाइप में रहता है ये, तो नीचे भी थोड़ा आउट है। वही वो लोग लगा रहे हैं भाई, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन काम वेंटिलेशन का काम बहुत मेहनत का काम है। ये तो चलो फिर थोड़ा बहुत फिर भी वो है क्या है, और एसी का तो पूछो अभी मत। सही है सेंटर पर आप गधा आए। बना देते पूरा, गधा किया हूँ मेरे को मालूम। लेकिन आदमी लोग को बोलोगे भाई दूसरा कोई काम कर ले, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये मैं भाई को ग्लैंड ग्लैंड नहीं भरना आता, उसको ग्लैंड भरना आता है मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं भरना आता, तो उसको वही बता रहा हूँ कैसे सिंगल कंप्रेसर भरते हैं ग्लैंड और डबल कंप्रेसर कैसे भरते हैं। वही चीज़ बताया हूँ उसको आसान तरीके से कई कैसे भरते हैं। अपना पैनल है 2.2 का है, अपना इंडिकेशन है RYB, एक ब्लू वाला नोज दिया कोई। अपना RYB मतलब दिखाएगा 3 फेस आ रहा है, NONC स्विच, ट्रिप स्विच, मैनुअल ऑटो स्विच। यहाँ पे डायग्राम है नीचे साइड, पूरा डायग्राम है ये नीचे साइड। ये ट्रिप का है ऑटो मैनुअल स्विच। ये अपना 4 पोल NCB कॉन्टेक्टर रिले। ये अपना वो फायर का रिले है, वो ट्रांसफार्मर है DC से AC, मतलब फायर का जो पोटेंशियल फ्री होता है
अपना RYB UVW मोटर का, क्योंकि न्यूट्रल नहीं आता, 3 फेस ही जाता है। इधर मेन सप्लाई रहेगा, ये साइड फायर का कनेक्ट होएगा। ये अपना नीचे से वायर गया, ये वायर डालें इधर से 2.5 का, और 2 अर्थिंग डालें, अभी एक डाला एक और डालेंगे। ये अपना इसमें मोटर में गया, मोटर का ये टर्मिनल है RYB, इसमें मोटर का टर्मिनल है ये RYB। ये मोटर में RYB करके, क्योंकि जो स्टार डेल्टा रहता है ना वो 6 टर्मिनल रहते हैं। ये अपना ग्रिल फिट किया हूँ आज मैं फ्रेशर के लिए, मतलब वो बाहर फेंकेगा तो ऊपर से फ्रेशर लेगा, यहाँ से फ्रेशर आएगा। ये ग्रिल फिट किया हूँ, ये नीचे ये सब, ये फायर के वो जो अपना गैस रहता है ना, आग लग लगती है, फायर क्या बोलते हैं वो, उसके बाटले हैं सब। ये हमारे इंजीनियर साहब है, चेक करने जा रहे हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। बहुत मेहनती बंदे हैं यार, हैं अपने यूपी साइड के हैं, आजमगढ़ के, अच्छा बंदा है ये भी, अच्छा इंजीनियर है, नए ये आए हैं अभी। ये अपना पैनल है, ऊपर HMI पैनल है, मतलब जो PPM लेवल रहता है ना वो इस पे दिखाता है, मतलब कितना गर्म है कितना ऑक्सीजन है, मतलब वही सब। ये अपना इमरजेंसी स्विच है, ये इंडिकेशन है, मतलब तीनों फेस दिखाएगा। इधर पे भी PLC लगा नहीं। ये अपना MCCB है, ऑन ऑफ वाला। ये अपना बेसमेंट का पैनल है, ये अपना 3 फेस का वो MCCB है। एम्पियर तो नहीं देखा हूँ। ये अपना यहाँ से सब पूरा पत्ती में कनेक्ट करके हर कॉन्टेक्टर रिले में सब में गया है। इतना ऊपर का सारा जेट फैन का कॉन्टेक्टर है, ये भी जेट फैन का है, ये अपना एक्सल फैन का है, ये SMPS है, ये रिले हैं दोनों साइड के। ये अपना CO सेंसर का है, ये जेट फैन का कनेक्शन है, लो स्पीड हाई स्पीड, लो स्पीड हाई स्पीड, इसमें सब है पूरा। इतना एक ग्लैंड इसमें इसी में छोड़ दिया, सब ये सब है इसमें। अभी इसमें PLC लगाएंगे तो वो फिर सेंसर से ऑपरेट होगा ऑटो पे, मतलब सेट करेंगे जो भी PPM बोलेंगे वो लोग, तो सेट करेंगे उसमें कैसा है क्या है क्या नहीं है। पूरा पैनल है ये अपना, है बड़े बड़े साइड आते हैं किधर किधर, एक इससे भी छोटा था भाई, उसमें 4 दिन गया था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे चालू होएगा, ट्रिप 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 दिखा रहा था। PLC वाले, 5-5 PLC वाले आके गए कंप्यूटर से चेक करने, किसी कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है भाई उसके अंदर, कितना भी रहता है मतलब पॉइंट है, पॉइंट पकड़ने के उसमें रहता है ऐसा, तो चाहिए रहता है। ये अपना जेट जेट फैन गए, ये अपना लो स्पीड है L R1, मतलब L का मतलब R मतलब फेस, लो का मतलब लो, हाई हाई का मतलब H का मतलब हाई। अपना एक्सल फैन गए 3 को, ये अपना जाली था वो छोटा पड़ गया फैन का। ये 3 फैन है टेरिस फ्लोर के, ये अपना लिफ्ट 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 कोर के, लिफ्ट के अंदर हवा छोड़ेगा, और लिफ्ट आता रहता ना आग में, आग लगता है तो ये क्या इमरजेंसी में चालू होता है, आदमी को धुएं से ही घबराता है, इसके लिए हवा फेंकेगा ऊपर से, तो आदमी के लिए वो सही रहेगा।